नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। चूंकि चुनाव है तो चुनाव में जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राबड़ी देवी पिछले 3 दिनों से लगातार ट्वीट कर रही हैं और ट्वीट में भोजपुरी भाषा में पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं पर वो लगातार हमला बोल रही हैं। एक बार फिर से आज उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट भोजपुरी भाषा में किया है और इस बार रसोई गैस के माध्यम से पीएम मोदी पर हमला बोला है। तो देखिए क्या ट्वीट है। यह ट्वीट है, राबड़ी देवी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि ई हवा हवाई सरकार गरीब के गैस के कनेक्शन देखे आपन पीठ थपथपैलस, बाकी दोबारा गैस भरवावे के कोनो इंतजाम नहीं कैलस और कोढ़ में खाज के काम करता। गैस के 1100 रुपया दाम बढ़ा के रसोई घर के बदरंग कर दिलस। गरीब के घर में लागल सिलेंडर धैल रह गई। गरीब के आह बेकार ना जाई, अब की बार इनका के मजा चखाई। तो इन्होंने इस माध्यम से, इस ट्वीट के माध्यम से राबड़ी देवी यह बता रही हैं कि जो सिलेंडर बीजेपी सरकार ने दिया था, जो मोदी की सरकार ने दिया था गरीबों को, वो सिर्फ दिखावे के लिए है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए मोदी सरकार ने यह काम किया था। गैस का दाम जब इतना बढ़ गया है तो गरीब लोग जो है वो कहाँ से गैस, रसोई गैस भरा पाएंगे। लिहाजा यह पूरी योजना जो है वो फेल कर गई है और गरीबों को यह बेवकूफ़ बनाने के लिए योजना लाई गई थी। इस बार जब चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जो गरीब, जिन लोगों को रसोई गैस दिया गया था, रसोई गैस के बहाने यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि केंद्र सरकार जो है गरीबों की हितैषी है, तो वैसे गरीब जो हैं इस बार चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोकेंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।